भूमाफियों के खिलाफ सक्रिय हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह, अपनी ही पार्टी के खिलाफ किया आंदोलन। बलिया जिले के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह भूमाफियों के खिलाफ दिखे सक्रिय। उन्होंने बताया कि ये भूमाफिया समाज की और पशु मेले की लगभग 250 बीघा जमीन अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं और इनमें सरकारी अफसर भी सम्मिलित हैं। विधायक ने आगे यह भी कहा कि वह इस मामले के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो विधानसभा भी जाएंगे। विधायक ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। उन्होंने वर्तमान सांसद की तरफ इशारा भी किया। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह भूमाफियों के खिलाफ दिखे सक्रिय, अपनी ही पार्टी के खिलाफ तैयार है करने को आंदोलन, वर्तमान सांसद की तरफ साधा निशाना। बसपा के शासन के बाद अचानक आपको कैसे एक कैसे पता चला आपको? ऐसा कि देखिए, हम लोग दूसरे ग्राम पंचायत का कागज तो देखने जाते नहीं है, क्या मतलब है आपको? अब चूंकि कोई जानता है नहीं, अब यह रहस्य जब उस समय से नाम चढ़वा करके चुपचाप बैठे थे, वो खेत जो है और वो फील्ड भी खाली था, हर साल मेला लगता ही था, तो किसी के मन में इस तरह की शंका थी ही नहीं कि नाम चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया। हम लोग भी क्या जानते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन अब तो जब बात सामने आई है तो उसके रहस्य को जानने का कोशिश किया हूँ, कब चढ़ा है इसका रिकॉर्ड मंगवा रहा हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है कि बस बहुजन समाज पार्टी के जमाने में ये सब भूमाफिया पैसा देकर के अपना नाम चढ़वा लिए हैं, और उसके पहले ही ग्राम समाज के नाम से जमीन थी ऐसे 20-25 वर्ष पहले, इसको पहले अब एथेंटिक डेट हम बताने की स्थिति में नहीं है, जानकारी है, जानकारी होने पर पूछा। तो कहीं ना कहीं इस मामले में राजस्व विभाग के अधिकारी भी संलिप्त होंगे, कहीं ना कहीं क्या होता है सीधे संलिप्त है, ये भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के कारण ही यह दुर्दिन देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है सर कि वो लोग नहीं हुई इस बात से अनजान होंगे कि कल के दिन जनता उनसे पूछेगी तो क्या करेगा? देखिए, लोभी लोभी और दरिद्र का कभी भी लोभा तुराणाम जो है भय और लज्जा, लोभी का भय और लज्जा दोनों समाप्त हो जाते हैं। जो वहाँ की मेला है उसकी क्या, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम मेला का मेला लगेगा, मेला लगेगा बिल्कुल, समाज जगा करके हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति को खरीदा हो लेकिन कब्जा नहीं होगा। एक लास्ट सवाल आपके लिए, आप वर्तमान विधायक होने के नाते इस मामले को और अपनी जनता के विश्वास को जगाए रखने के लिए इस मामले के आगे कार्रवाई क्या करेंगे? देखिए, हमारा पद्धति है, मैं तहसील से लेकर के और ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा तक उनको जिम्मेवारी जनता ने दिया है, तो मैं ग्राम सभा की आज बैठक करने जा रहा हूँ, आवश्यकता पड़ेगी विधानसभा में भी दमदारी से इस विषय को उठाऊंगा और जांच कमेटी बनवा करके जांच करवा करके दोषी लोगों को दंडित करवाने का प्रयास करूंगा। अपना परिचय दीजिए सर। मैं सुरेंद्र सिंह, विधायक बैरिया। सर, क्या मामला है, कहां से शुरुआत हुई मामले की और आपको कैसे पता लगा इस मामले के बारे में? देखिए, हम लोग समाज के कार्यकर्ता हैं, समाज के कार्यकर्ता हैं, जनता माध्यम से जानकारी का प्रेमाबाद परिवार में लगभग 200 एकड़ ग्राम समाज की जमीन थी, लेकिन बसपा के शासनकाल में कुछ माफियाओं ने अधिकारियों को पैसा देकर के और फर्जी मुकदमा करके अपना अपना नाम चढ़वा लिया। 3 नंबर की जमीन है, 241 नंबर, 702 नंबर और 795 नंबर, यही 3 नंबर है। 3 नंबरों में लगभग 200 एकड़ के आसपास जमीन, अब आज की तिथि में क्या है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो भी करिश्मा हुआ है भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों और भूमाफियाओं ने अपना करिश्मा करके अपना नाम छपा लिया है। लगभग 60-70 लोग ऐसे हैं जो इस जमीन पर नाम छपाए, ये जानकारी मिली तो सब रिकॉर्ड से मालूम होगा। लेकिन दुख इस बात का मुझे है कि मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि चोरी करने वाला जितना दोषी होता है वो, तो चोरी का सामान भी खरीदने वाला उससे कम दोषी नहीं होता। इसलिए कोई भी व्यक्ति उन भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के कृत्य के कारण जिन्होंने भूमाफियों में नाम चढ़ा लिया था और उस नाम चढ़वाने के बदले फिर जो है कोई जमीन खरीदना चालू कर दिया, वही सामाजिक जीवन का कोई कार्यकर्ता है, हमारी समस्या दुनिया में इससे घिनौना काम एक छोटा स्तर पर भी जीने वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। सामाजिक जीवन में बड़े लोग के समीक्षण देकर करते कराते हैं तो अच्छी बात है।
मैं इसी का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कागजात वगैरह प्राप्त करने के बाद मैं अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करूँगा, आवश्यकता पड़ेगी तो समाज को जगा करके इसकी रक्षा करने का प्रयास। विधायक जी, जमीन को कब्जा करने का उनका मकसद क्या है और क्या बता सकते हैं कि किसके नाम पे हुआ, कुछ बता सकते हैं? संदेह है तो ये तो उद्देश्य उनका मकसद क्या है क्या नहीं है, जमीन कब्जा करने वाले का मकसद क्या होता है, पैसा कमाना, धन कमाना, जमीन कमाना और क्या होता है, मैं उसके मकसद को नहीं जानना चाहता हूँ। ग्राम समाज की जमीन थी, वहाँ सैकड़ों वर्षों से पूज्य सुदेश बाबा पशु मेला के नाम से पशु मेला लगता था और लगना चाहिए, और हम सब के जमाने में, भाजपा के जमाने में, पूज्य योगी जी के जमाने में सुरेंद्र सिंह विधायक हों, सांसद के रूप में मस्त जी हों, उसके बाद कोई व्यक्ति इसको खरीद ले, अभी हम लोगों के संरक्षण में रहने वाला व्यक्ति खरीद ले, हमारा रिश्तेदार खरीद ले, तो इससे दुख की बात और हम सबके लिए कुछ नहीं। आपका अगला कदम क्या होगा सर? मेरा अगला कदम तो अब समाज को, मैं आज इब्राहिमाबाद उपरवार के लोग बैठक किए हुए हैं, उसको लोग बुलाए हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरा कोशिश होगा कि अपने राजनीति के जीवन में अपने पूर्वों के धरोहर को समाप्त नहीं होने दूंगा, मेला को कब्जा नहीं करने, किसी को भी कब्जा नहीं करने, आवश्यकता पड़ेगी जो भी विश्व लेना पड़ेगा उनको। माफियों के खिलाफ सक्रिय हुए भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह, अपनी ही पार्टी के खिलाफ किया आंदोलन। संवाददाता वरुण चौबे, IBN न्यूज़, बलिया।